अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सिमरिया क्षेत्र से धरना प्रदर्शन को लेकर। सिमरिया तहसील प्रांगण में विगत 6 दिनों से एसडीएम नीलमणि अग्निहोत्री और नायब तहसीलदार अनुपम पांडे को हटाने की मांग की जा रही है। चल रहे धरना प्रदर्शन में धीरे धीरे स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ किसान समाज सेवी संगठन के लोग समर्थन देने पहुंचने लगे हैं। एक तरफ दोनों अधिकारियों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं तो दूसरी ओर दोनों अधिकारी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। एक बार फिर एसडीएम नीलमणि अग्निहोत्री का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें ज्ञापन सौंपने पहुंचे लोगों के साथ अभद्रता की गई और उनकी बात सुनने की बजाय उंगली ना दिखाने की धमकी दी, तो वही किसान नेता के साथ नायब तहसीलदार ने झूमा झटकी की है। राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अधिकारियों से क्षेत्र के लोग परेशान हैं और गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अनिश्चितकालीन चल रहे क्रमिक धरने का समर्थन करने जहां विगत दिनों आप पार्टी के नेता पहुंचे थे, वहीं छठवें दिन क्षेत्र से विधायक और मंत्री रह चुके राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल पहुंचे। धरना स्थल में किसान नेता से लेकर महिलाओं और राज्यसभा सांसद ने जमकर शासन प्रशासन के साथ साथ स्थानीय नेताओं को आड़े हाथों लिया है। आइए आपको दिखाते हैं धरना स्थल की कुछ झलकियां और सुनाते हैं किस तरह से लोग गंभीर आरोप लगाते हुए दोनों अधिकारियों को हटाने की मांग कर रहे हैं। सभी हमारे उस आंदोलन की अगुवाई करने वाले हमारे नेतागण, बुजुर्ग मार्गदर्शकगण, नौजवान एवं देवियों, आज जिस तरह से अन्याय शोषण के खिलाफ आंकड़ों को हटा करके इस जन आंदोलन को अपना आंदोलन बना करके भी मुहिम चलाया है, ये जगह के अन्याय अत्याचार का नहीं है बल्कि प्रतीक है कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ हम एक हो करके एकजुट हो करके अपनी आवाज को बुलंद करना ये महत्वपूर्ण है। आज जरूरत इस बात की है कि जो मूल है उसको पहचानने की जरूरत है। अगर हम पहचानने में गलती करेंगे, पहचान सभी हमारी नहीं होगी, तो हमारे साथ हमेशा छलावा और धोखा होता रहेगा। ये सबसे बड़ी मूल बात है कि हमें पहचान करने का तरीका बदलना होगा कि अपना कौन है, पराया कौन है। आप ये सोचिए कि जब इस देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी, हमारे आपके पूर्वज अपने सीने पर गोलियां खा रहे थे, वो हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम रहे थे, कभी आपने बैठ करके 2 मिनट चिंतन किया क्या, सोचा क्या, तो किसके लिए कर रहे हैं? क्या उनको उनकी जिंदगी प्यारी नहीं थी? क्या उनके परिवार नहीं था? क्या उनके जीवन के सुख और दुख की सुविधाएं नहीं था? सब कुछ था, लेकिन उन्होंने केवल सोचा था कि इंसान होने का मतलब केवल पेट भरना नहीं हो। ऐसे हमने सुना है, हमारा कोई काम ना है न था न हो, तो बार बार इधर से संचालक में होकर समय के ध्यान की बात कर रहे हैं, जिनके साथ अभी बन शुरू की है, तो लिखित में रिपोर्ट बनाए और लिखित में रिपोर्ट बनाकर के यहाँ के पुराई को दो कार्यवाही चले रखें। आप उससे रिसीव लेंगे, एसपी को भी, कलेक्टर को भी, कमिश्नर को दे और केंद्र के गृह सचिव को दे और यहां तक कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी उसकी प्रचलित भेजे। हमारे बीच में कितने दबंग व्यक्ति बैठे हैं, इतने शक्तिशाली व्यक्ति बैठे हैं जिनको लोग पहचानते हैं, यादव उन पटेल जी चाहे तो चुटकी बताते ये चले जाएंगे। इनकी शक्ति को पहचानिए। हमारे सांसद जी, हमारा मंच और हमारे दूर दराज से आए हुए भाई बंधु, सबसे हमारा नमस्ते। देखिए ये आंदोलन जो
रखा गया है, यह सब के लाने रखा गया है, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, जो कि तहसीलदार को के बात नहीं सुनाए, ता ये आंदोलन में सबको अपना पंजे पहुँची या सबको आए के अपने भागीदारी निभाई, जो कि गरीबों को 10 साल से पट्टा का कह रहे हैं, आवास बसे हैं, बेचारे का पट्टा नहीं मिल रहा, पट्टा जरूर गरीबों का मिले चाहिए, हम गरीबों के साथ हैं, चाहे जस के तहसीलदार पट्टा दें, जस के देंगे, जस के हम दिवाएंगे, और हमारे भैया दिवाकर जी हैं, सोगौरा जी के हम सब साथ हैं, हम सब मिल के आ तहसीलदार से अपना पंचम का पट्टा जरूर वितरण करवाएंगे। जय हिंद। ये इधर का जो नया लड़का अभी तहसीलदार बनकिम पटेल बदरी गांव का मूल निवासी है, और मूल निवासी होने के साथ साथ भारतीय किसान यूनियन ग्राहक इकाई सिमरिया का संगठन मंत्री, लेकिन ये जो दूसरा साथी आपके अनुपम पांडे हैं नायब तहसीलदार के पोस्ट में, ये दोनों एक ही कुर्सी पर बैठे हुए थे, एक ही कार्यालय में बैठे थे। हमारे दो साथी सम्मानी भागवत प्रसाद तिवारी और सम्मानीय अशोक कुशवाहा, दोनों साथियों को हमने इसलिए लेके गया था कि मैं अकेले होता तो हमारी बात फर्जी मानी जाती या राजनीतिक मंच मानकर लोग हमको नेता बनने के चक्कर में अफवाह उड़ा देते। साथियों, हमने दोनों साथियों को लेके गया, ये बात हमने विनम्रतापूर्वक कही कि माननीय तहसीलदार साहब आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, हमने SDM को भी अल्टीमेशन दिया और तहसीलदार को भी एस्टिमेशन, दोनों के अलग अलग बनाया। SDM के कार्यालय में ताला लगा हुआ था, लेकिन नायब तहसीलदार और तहसीलदार जो वर्तमान है ये दोनों एक ही चैम्बर में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि ये आपका अल्टीमेशन हमने आप जैसे हजारों लोगों को देखा, अल्टीमेशन देके नौटंकी आप लोग करते हैं और नौटंकी करके हमारा क्या बिगाड़ेंगे। सोगौरा जी को सीधे बात कहा कि ये सोगौरा आपके जो है आज छठवां दिन बैठे हुए हैं, हमारा क्या बिगाड़ रही है, हम तुम्हारे जैसे लोगों को लात मार देते हैं। हमने यहाँ खबरदान हमने भी तुम्हारी ऐसी देखी, देखिए हमको गुस्सा आ गया, मंच में हमारे साथियों ने कहा न बोलिएगा, हमने कहा खबरदान जवान संभालिएगा, तुम्हारा अगर खून है तो हमारे अंदर खून है, कहीं हमारे साथी खड़े होंगे। हमने कहा ये बर्दाश्त के वहां सम्मानित हम भी हैं, तुम भी सम्मानित हो तो सम्मान के अंदर ही बात करो, ये नहीं कि हमको कोई तो कोड़ी क्या है, हम संगठन मंत्री भारतीय किसान यूनियन के बोल रहे हैं।